1985। कहावत है कि बच्चे उल्टा पैदा होते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी सीधा जिए। ये बेचारे उल्टी दुनिया में सीधा पैदा हो गए। दिमाग से थोड़े हैं पैदल, मगर दिल के हैं वेरी स्पेशल। मगर आपको अगर कहीं मिले ना ये दोनों, तो मीट विद कॉशन, क्योंकि ये है गोलू और पप्पू। मास्टर जी, अम्मी कस्बे से बाहर गई है ना, भूख लगी थी। भूख लगी तो सालों सिर्फ मेरा ही घर मिला था चोरी करने के लिए। मास्टर जी, इतनी घटिया बात मत करो। चोरी नहीं की हमने, आप घर पे नहीं थे तो हम चुपके से आपके दरवाजे से ही घुसकर आपका खाना खा रहे थे। बताओ इसमें चोरी कहां से हुई? बेटा, इसी को चोरी कहते हैं। आने दो तुम्हारी अम्मी को, तुम दोनों की शिकायत करूंगा मैं। बोले हमसे चोरी हुई, बोले ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। मास्टर जी, आप कल पक्का अम्मी से हमारी शिकायत करना। वैसे आप बोलोगे क्या अम्मी को? कल मैं तुम्हारी अम्मी से कहूंगा कि कल तुम लोगों ने मेरे घर आके चोरी की। कल चोरी की? पर हम कल वापस थोड़ी ना आएंगे आपके घर चोरी करने। मेरा मतलब कल कहूंगा कि तुम लोगों ने आज चोरी की है। कल कैसे कहोगे, हमने तो आज किया है। अबे तो आज ही कहूंगा ना, आज। आज कैसे कहोगे, आज अम्मी है ही नहीं यहाँ। मेरा मतलब मैं कल कहूंगा कि तुम लोगों ने आज चोरी की। अरे कल तो हम करने नहीं वाले, आज कैसे कहोगे आप? तो आज ही कहूंगा ना कि तुम लोगों ने आज चोरी की है। अरे हद हो गई है, आज अम्मी है नहीं तो कैसे कहोगे उन्हें? अंडा, मेरा अंडा मास्टर जी। चलो मेरे साथ। अरे मास्टर जी, आप कर क्या रहे हैं? देखिए कुछ बोलिए ना मास्टर जी, आप कहाँ लेके जा रहे हो? अंडा तो लेने देते मास्टर जी। देखिए आप जहाँ खींच के, अरे जाओ यहाँ से। मास्टर जी, आपको शिकायत करनी होगी, हमने चोरी किया, हमको सजा मिलनी चाहिए। हाँ वीर, आप इनको सजा तो मिलनी चाहिए। किसने कहा? किसने कहा तुम लोगों ने चोरी की है? ना, मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया, घर के अंदर घुस आए, सारा खाना खा लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसे चोरी थोड़ी कहते हैं? ना, ना? मतलब आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे? आने दो अम्मी को, आपकी शिकायत करूंगा। हाँ, शिकायत अम्मी को जी। गए 40 लाख खाई में। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं दिल्ली आ रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, तब मैं आपके स्टोर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। गुस्ताद भाईजान, अपने लड़कों की शहर में होने की खबर पुलिस तक पहुंच गई है। बेवकूफ, मुझे यहाँ इस नाम से पुकारने का मतलब समझते हो? कितना खतरनाक हो सकता है जी।
अब्दुल्ला भाईजान। वैसे मुझे खबर पहले ही मिल गई थी, जो नजर आ गया वो दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। खत्म कर दो उन दोनों को। उड़ा दो। डर सरफराज डर। एक गोली एक इंसान की जान ले सकती है, एक बम 30-40-50 लोगों को मार सकता है, लेकिन डर डर लोगों में खौफ पैदा करता है जो जीना मुश्किल कर देता है। ये डर लोगों में खत्म हो रहा है, इसीलिए हमारी खबरें फौज तक पहुंच रही हैं। इसे किसी तरह जिंदा रखना पड़ेगा। कल चौक में बाबा का समारोह है, बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ा धमाका करो। क्या बात बोली गुस्साद भाई ने। भाईजान होली भी नजदीक आने वाली है, आप बोले तो मैं खुद ही मापुड़ के आता हूं। जी भाई। दूध और अंडे तक तो ठीक था, अरे कच्चे चावल भी नहीं छोड़े। जब भी आप कस्बे के बाहर जाते हो ना, ये दोनों मेरे घर टूट पड़ते हैं। नमस्ते सलाम। हाँ टीचर, नहीं मैं तो रसोईया बन गया हूँ इनका। पापा 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 क्यों बेबे शर्मा, तेरे गुल्ली डंडे वाले दिन नहीं रहे? हाँ? समेट ले वरना एक लगा के चूरा चूरा कर दूंगी। अमी अमी शर्म नहीं आती? चमनलाल के घर में घुसा। अमी हाँ 6 महीने लगे जरूर, पर है ना बिल्कुल पहले जैसा। अम्मी अब्बू का स्कूटर बचा लिया मैंने, बस रंग ही नवा किया है, बाकी का सेम टू सेम है। पंखा लगाया मैंने, फुर फुर हवा देता है। और ये सीट नवी है। हैंडल ये डिजाइन वाली लगाई है नवी। रेस दूं तो एकदम शराटा, फुर 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 फुर। अम्मी यार सूटेंगी लगी 10-10 की। सॉरी मास्टर जी, गलती हो गई, शर्ट लगाना गलत बात है। चुप करो, 10-10 की लगाना गलत बात है। मैं 50 की लगी, ये लो। आज तो अम्मी सूटेगी, जाओ। ये जो हेडलाइट की जो बल्ब है ना, ये भी नवी है। अरे ये सब छोड़, तू मुझे ये बता इस स्कूटर में अब्बू का क्या बचा है? सब कुछ पहले का ही तो है, ये जो इंजन में 27 स्क्रू लगे हैं सब अब्बू के स्कूटर के हैं। ये क्लच की तार। अम्मी अब्बू को तो बचा नहीं पाया, लेकिन उसके स्कूटर को तो बचा लिया। अब जब भी अब्बू की याद आए ना, इसे लिपट के रो लियो। ओए खोतिया, तुझे स्कूटर और अपने अब्बू में कोई फर्क नहीं दिखता? हाँ अरे बंद कर अपनी बकवास, मेरे बच्चे ने जो किया वो नहीं दिखता तेरे को? हाँ गलतियां ढूंढने में लग गया, चल जाए यहाँ से। तेरे चौल के जितने बनते हमारे घर का लीडर पहुंचा देगा। पहुंचा देना पप्पू। हाँ पहुंचा दूंगा, पैसे निकल जा। आ जा रहा हूँ, मास्टर जी की कोई कदर ही नहीं है यहाँ। ये रख। अम्मी ये तो अबू की है। गुण तेरी है ना, तू इस घर का लीडर है ना। स्कूटर बढ़िया है।